हेलो, तो आज हम शेडिंग करेंगे। तो शेडिंग में हमें कौन कौन सी पेंसिल यूज़ लेनी है वो देख लेते हैं। मेरे पास ये 2B, 3B, 4B, HB, 6B की पेंसिल है जिसको हम शेडिंग में यूज़ करेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं मेरे पास एक लीव है जिसकी हम शेडिंग करेंगे। तो मैं लेती हूँ 6B पेंसिल और आप देखेंगे कि इसको कैसे चलाना है। तो सबसे पहले देख लीजिए कि कहाँ कहाँ इस पत्ती के अंदर टोन्स आ रही हैं। डार्क टोन है, लाइट टोन है, आपको दिख रहा होगा कि इसमें कहीं जगह पर लाइट टोन्स आ रही हैं, किसी जगह डार्क टोन आ रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं 6B की पेंसिल लूँगी। 6B की पेंसिल से आपको जहाँ भी पत्ती में डार्क शेड दिख रहा है, हम उसे उसी जगह से डार्क डार्क कर लेंगे जहाँ जहाँ हमें पत्ती में डार्क दिख रहा है, उसके बाद मिडिल और उसके बाद ही लाइट। पेंसिल को किस तरीके से आप पकड़ रहे हैं आप ये देख लीजिएगा कि किस तरीके से हमें पेंसिल पकड़नी है। लेकिन जैसे भी आप पेंसिल को पकड़ें, पेंसिल को शीट से हमें जब भी शेडिंग करना होता है तो उसको पेंसिल को शीट से उठाते हुए बिल्कुल प्रेस ना करते हुए हमें शेडिंग करनी है, क्योंकि ज़्यादा हम शीट पर प्रेस करेंगे तो हमारा जो शेडिंग है वो नहीं दिखेगा। ऐसे लगेगा कि वो पेंसिल ही आपकी, आपने पेंसिल से उसको फिल कर दिया है, कलर कर दिया है। इस पूरी पत्ती में आप देख रहे हैं कि आपके कहाँ डार्क है और कहाँ लाइट है। तो जहाँ डार्क है मैं वहाँ पहले इस पत्ती में डार्क कर लूँगी, मिडिल कर लूँगी और लाइट कर लूँगी। इसके बाद यहाँ देख रहे हैं यहाँ डार्क है तो मैं यहाँ डार्क करूँगी। यहाँ डार्क है, इसके दोनों तरफ लाइट है तो मैं यहाँ दोनों तरफ लाइट करूँगी। और आप आईडिया के लिए, अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो आप पहले लाइन ड्राॅइंग भी कर सकते हैं कि यहाँ डार्क है और यहाँ लाइट है। I'm not gonna lie.